आज के इस बढ़िया ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं गूगल सीट, और गूगल सीट में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे फंक्शन। आज हमारा फंक्शंस की क्लासेज है और हम फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि फंक्शंस पढ़ने के बाद ही हम बाकी चीजों के बारे में करेंगे। हेलो चलिए तो हम जाते हैं सबसे पहले यहाँ पे गूगल ड्राइव पे, ताकि वहां से अपने एक्सेल की फाइल ओपन कर, सॉरी गूगल सीट की फाइल ओपन कर सके, स्प्रेडशीट फाइल ओपन कर सके। स्प्रेडशीट फाइल में हम ये डीडी वाली फाइल को हम यहाँ से डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, और यहाँ से ओपन विथ गूगल सीट कर लेते हैं। एक्सेल, ये हमारा गूगल सीट फाइल। अब चलिए इस पे हम वन बाय वन अपने फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, मान लीजिए डिलीट कॉलम ए टू सी। यहाँ पे हमारे पास बात करते हैं इंसर्ट में फंक्शंस की। फंक्शंस मतलब कि फॉर्मूला। यहाँ पे कैटेगरी की फॉर्मूला, पहले तो कुछ मोस्ट यूज फॉर्मूला है, जैसे सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम। और जहां तक मुझे उम्मीद है विजय जी, ये फॉर्मूला आपको आता होगा। हाँ सर, हाँ सर, इसके बाद कैटेगरी है, जैसे कि एरे की कैटेगरी है, एक एरे के अकॉर्डिंग चलता है। ऐसे आपका डेटाबेस फॉर्मूला है, ऐसे आपका डेट का फॉर्मूला है, इंजीनियरिंग फॉर्मूला है, फिल्टर फॉर्मूला है, फाइनेंशियल है, और गूगल के कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ इंफॉर्मेशन फॉर्मूले हैं, कुछ लॉजिकल फॉर्मूले हैं, कुछ लुकअप रेफरेंसेस हैं, मैथमेटिकल्स है, या फिर इसके ऑपरेटर्स है, कुछ कन्वर्ट के फॉर्मूले हैं, कुछ स्टैटिकल फॉर्मूले हैं, कुछ टेक्स्ट फॉर्मूले हैं, कुछ वेव से फॉर्मूले हैं। तो हम इसको अल्फाबेटिक तो नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि कुछ फॉर्मूले के बाद आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉजिकल फॉर्मूला। लॉजिकल फॉर्मूला से पहले हम ऑपरेटर्स की बात करते हैं। ओके, ऑपरेटर्स, ओके सर। ये ऑपरेटर्स वही है जो कि एक्सेल में आपके सामने होते थे, जैसे इक्वल, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, ये जो होते थे यही है। तो इसके जरिए आप अपनी कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास मान लीजिए कि क्वार्टर वन में 20 है एंड क्वार्टर टू में यहाँ पे 60 है, और मुझे इसका ग्रोथ निकालना है। तो ग्रोथ के लिए मैथमेटिक्स क्या कहता है, लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट, लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाई ओल्डेस्ट। ओके, ओके मोड मास मेथड को फॉलो करेंगे ताकि हमारा रिजल्ट करेक्ट है। तो ये आपका 33% आता है, और यहां से परसेंट का सिंबल अप्लाई करने पे मेरा परसेंट में आएगा। देखिए क्या इसमें ग्रोथ का फॉर्मूला वर्क करेगा, ग्रोथ का फॉर्मूला इसके लिए नहीं है, ये चीज के लिए नहीं। ग्रोथ तो अलग है, वो ट्रेंड दिखाता है। ये फॉर्मूला नहीं था, जो फॉर्मूला नहीं है उसको आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई से कर सकते हैं, जैसे कि आप एक्सेल में करते थे। ओके, अब ओके इसमें एक नई चीज आती है यहां पे इंसर्ट में, वो आपके पास आता है इसमें ऑपरेटर्स में, लॉजिकल ऑपरेटर्स। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहां पे ग्रेटर देन चाहिए, तो ग्रेटर देन में मान लीजिए कि अब मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या ये ग्रेटर देन, हाँ हमने इसको सेलेक्ट किया और यहां पे हमने दे दिया 50, रिजल्ट ट्रू आया। समझे, ओके सर। क्या है कि क्या क्या मैं डायरेक्टली इस तरह से ग्रेटर देन 50 नहीं लगा सकता? यस, ऑफ कोर्स लगा सकते हो, ग्रेटर देन 50 है, लेस देन 50, मतलब कि आप इस तरह के सैम्बल को भी इस्तेमाल कर सकते हो। कि यहाँ पे जैसे मैं ग्रेटर देन इस्तेमाल किया, ऐसे मैं यहाँ पे लेस देन
ऐसे मैं यहाँ पे आपको लेस देन इक्वल टू, इसी तरह से आपका ग्रेटर देन इक्वल टू आप लगा सकते हैं, और ऐसे आप नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे एक लगा सकते हो, और यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला भी है जैसे कि ग्रेटर देन। इसके अलावा क्या क्या फॉर्मूले हैं देखिए फंक्शन में, तो फंक्शन में ऑपरेटर के लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ से देखिए एंड, एंड के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले डिवाइड है आपका, ये आपका इक्वल है, ये आपका ग्रेटर देन है, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये आपका लेस देन है, ये आपका लेस देन इक्वल टू है, ये आपका माइनस है, मल्टीप्लाई है, और नॉट इक्वल टू है, ये आपका पावर है। अब बोलो इस पावर को डायरेक्ट सिंबल से कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे 50 लिया और मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, तो इसको सेलेक्ट करके और इसके साथ हम डालेंगे, तो यहाँ रिजल्ट आपको दिख रहा है, तो ये आपका पावर ऑफ, हाँ सर पावर था। तो इंसर्ट फॉर्मूले में ये आपका ऑपरेटर्स में ये आपके पावर उसी का काम करता है। फिर एक यहाँ पे अन माइनस है, माइनस ये क्या करता है, ओके हाँ सैंपल देता है, मतलब कि अगर आपने इसको सिलेक्ट किया और इसमें मैंने प्लस में रखा तो ये आपका माइनस में दिखा देगा, और माइनस में रखोगे तो प्लस में दिखा देगा, ये अपोजिट करता है। लेकिन इसके लिए एबीएस फॉर्मूला परफेक्ट रहेगा, एबीएस फॉर्मूला प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में, और प्लस को प्लस ही रखता है। यहाँ पे 95 करो तो प्लस ही रखेगा, बट अन माइनस का एक चीज और भी है, जैसे कि मैंने इसको माइनस के साथ अगर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, नहीं इसमें माइनस के साथ नहीं कर सकते, इक्वल माइनस के साथ इसको सेलेक्ट कर ले तो फिर आपका रिजल्ट इसी तरह हो जाएगा जैसा अब इससे पहले दिखाया मैंने आपको अन माइनस का, ठीक है सर। एबीएस की तरह ABS, ABS वो सिर्फ प्लस को माइनस में करता है, माइनस को प्लस में करता है, बट प्लस प्लस रखता है, बट ये आपका जो अन माइनस है ये आपका क्या करता है, माइनस को प्लस में अपोजिट कर देता है, ठीक है ओके सर। और यहाँ पे अन ओके सर है इसका, अच्छा ये परसेंटेज में देता है, जैसे कि 0.5 हमने दे दिया तो, अच्छा आप यहाँ पे 100 लिखेंगे तो उसको परसेंटेज में दिखा देगा, जैसे आपने 50 पर लिख दिया और ये 50% ऑटोमेटिकली हो जाएगा, समझे ओके सर। तो नंबर आप नॉर्मल देंगे उसी नंबर में आपका कन्वर्ट हो जाएगा इंसर्ट फंक्शन में, ठीक है ओके सर। और यहाँ पे अन प्लस, अन माइनस का उल्टा अन प्लस, ये समझ में आ गया आपको, वो भी अपोजिट ही रखेगा ना, हाँ वही जो अन माइनस करता उसी का अपोजिट करेगा, ओके सर ठीक है। तो ये सारे ऑपरेटर्स में अब हम ओके सर डिवाइड, इसकी हमने डिवाइड तक, डिवाइड से लेके नीचे पूरा देख लिया, अब बात करते हैं एड, एड की। तो एड आपका वही है जो आपका प्लस करता है, समझे, कि अगर मैं 20 ले लिया, सम का फॉर्मूला है ना वही आपका एड का फॉर्मूला भी, बट सम के फॉर्मूले में है कि आप यहाँ पे सम लगाएं और एक रेंज को आप ले लेते हैं, रेंज ले लिया तो क्या ऐड फॉर्मूला अंदर भी हम इसी तरह से रेंज ले सकते हैं, नहीं समझे, क्यों, क्योंकि इसमें चाहिए दो वैल्यू, सिर्फ दो वैल्यू को लेता है, जस्ट लाइक प्लस का सिंबल, समझ गए ओके सर ओके सर। तो ऑपरेटर्स में ये आपका था, फिर आता है कॉनकेट, कॉन्केशन विद टू वैल्यू मतलब ये आपका कॉन्केट जो है, ये कॉन्केट होता है ना वो है आपका, जिसकी आपने 50 इसको ले लिया और कॉमा आपने इसको ले लिया,
तो इसका रिजल्ट देखिए, आपको दोनों को ज्वाइन कर दिया इसने, तो जैसे कि ज्वाइन मल्टीप्लाई कर जो दिया। एन परसेंट वर्क करता है ना, या कॉन्केट फॉर्मूला वर्क करता है, वो यहाँ पे कॉन्केट अच्छा हाँ सर हाँ सर अब इक्वल कौन करना नहीं का इस्तेमाल करो तो ए एक वैल्यू कॉमा दूसरी वैल्यू। लेकिन क्या कॉन्केट पूरा का पूरा रेफरेंस लेता है? एक्सेल में जो कॉन्केट जो नया एक्सेल में फॉर्मूला आया कॉन्केट में, तो उसमें ले सकते हैं, बट इसमें पूरा रेंज हम नहीं ले सकते। ठीक है सर? ओके सर ओके सर तो आज हमने आपके साथ कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करें, हमने इसमें आपको ऑपरेटर के बारे में बताया। फिर कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे लॉजिकल के बारे में, सॉरी लुक लॉजिकल के बारे में। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला कल हम आपके साथ ओके सर डिस्कस करेंगे। अभी आप जाइए ऑपरेटर्स की प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है सर? ओके सर समझ लीजिए कौन क्या है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो दो, एक आप ऑपरेटर्स मतलब कि जो सिंबल है उसका भी इस्तेमाल कीजिएगा, फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कीजिए, दोनों का इस्तेमाल आप देख लीजिएगा।